जिसमें अभी अभी एक खबर मिल रही है कि अलवर ज़िले में, जो राजस्थान का अलवर ज़िला है, वहाँ से एक हमें सूचना मिल रही है कि एक इन्वेस्टर ने सारा के खिलाफ एक वहाँ पे भी FIR दर्ज करवाई है। उसका मैटर ये है कि वो एक पेशे से एक दर्जी है इन्वेस्टर हमारा, और जिसने अपना 2018 में एक डेली बेसिस पे 100 रुपये के हिसाब से अकाउंट खोला था, ताकि उसको एक साल के बाद वो अपनी जमा रकम पे कुछ ब्याज मिले, जिससे कि एक बड़ा अमाउंट उसको मिल सके। और 2019 में जब इसकी मैच्योरिटी भी हो गई, तब भी उसको आज तक उसका पेमेंट नहीं मिला। वो जिस समय भी ऑफिस जा रहा है, उसको टरकाया जा रहा है कि अभी पेमेंट नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं है, तो उससे खफा होकर उसने एक FIR वहाँ पर लॉन्च कर दी है, जिसमें उसने ये FIR में दिया है कि हमारे पेमेंट को इन्होंने यूज़ किया है और कंपनियों में लगाया गया है, और पेमेंट को जब मैच्योरिटी का पेमेंट आ जाता है तो उसको वापस नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें आज की डेट में हर जगह से हमें मिल रही हैं। तो अब इसमें हर जगह को हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि लोगों ने RD में पैसा लगाया, FD में पैसा लगाया, और उनको आज भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इन्वेस्टर किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि अगर मेरा मैच्योरिटी हो चुकी है या मेरे पेमेंट की मैच्योरिटी ओवर हो गई है, तो मेरे को पेमेंट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं या जो भी हमारे सारा के कार्यकर्ता हैं, तो उन पर भी ये दबाव पड़ रहा है कि किसी तरह हमारी मैच्योरिटी जल्द से जल्द करवाएँ। लेकिन वहाँ का जो भी स्टाफ है हमारे कंपनी का या ऑफिस का, तो वो उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ पे लोगों को बस अभी पेमेंट नहीं है, या आपको 2 दिन के बाद मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा, जब आएगा तब मिलेगा, तो इस तरह की हिमायतें देकर उनको वापस कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टर है वो बहुत हताहत हो रहा है, और वो इस तरीके की चीज़ों को नहीं सुनना चाहता है कि मैं इस बार जा रहा हूँ और मेरे को पेमेंट ना मिले, क्योंकि इतना वो त्रस्त हो चुका है इनका अपनी सारा इंडिया परिवार से, कि अब वो कहता है कि मुझे मेरा पेमेंट किसी हालत में मेरे को दे दो। लेकिन वो कंपनी इस तरीके से कोई भी वर्क नहीं कर रही है कि वो इन्वेस्टर को उनका पेमेंट दे सके। अभी तक जिस तरीके से सारी कैटेगरी में हमारा जो डेली बेसिस वाले अकाउंट्स है वो सही स्थिति में चल रहे थे, लेकिन कहीं कहीं वो भी अब डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, क्योंकि समय पे पेमेंट उनको दे दिया गया है कंपनी को, लेकिन समय पे वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, और इन्वेस्टर इस पे बहुत ज़्यादा खफा है। अब इन्वेस्टर के पास बचता ये है, या तो वो वहाँ पे तोड़फोड़ करे, या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ अनर्गल कोई चीज़ें करें, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो सीधा सीधा फिर वो शरण लेता है कि भाई हमारी FIR दर्ज हो, ताकि जो हमारे वहाँ के जो स्टाफ हैं या जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ़ वो वहाँ पे मुकदमा दायर करता है या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करता है, और कोर्ट हमारा उसका एवज में फैसला देती है कि भाई पेमेंट किस तरीके से होगा। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे सिटीज़ में हमारे हो चुकी हैं, लेकिन उस जो कंज्यूमर कोर्ट हो गया या कोर्ट के थ्रू भी हमारा जो आदेश हुआ है, वो अभी तक कहीं से भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि इनके पेमेंट चेक कर दिए जाएँ, लेकिन अभी तक किसी भी इन्वेस्टर को उनके पेमेंट नहीं किए जा सके हैं। तो मेरा सारा से यही गुजारिश है कि सर, इस चीज़ को हल्के में ना लेकर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, और जो भी हमारे इन्वेस्टर के पेमेंट्स हैं उनको कराने की जल्द से जल्द कोशिश करें, ताकि हमारे इन्वेस्टर अपना पेमेंट ले लें, और कुछ ना कुछ वो हमारे री इन्वेस्टमेंट में भी हमको पेमेंट दे दें।